तेरी खूबसूरती का दीदार करने जाते हैं, जब भी मन हो घूमने का तेरे ही पास चले आते हैं, ख्यालों में या कविताओं में तेरी वादियों में खो जाते हैं। हम जाते हैं कुछ हंसी पलों को समेटने पहाड़ों पर, मगर क्या किसी ने ये सोचा है कि बदले में हम क्या छोड़कर आते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑन सेकेंड डे। आज हम लोग अभी रेडी होके चेकआउट करने के लिए ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड हैं और बैगेजेस हमने पैक कर लिए हैं एंड वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। हेलो से हेलो टू माय हबी। ओके, तो आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी भी है तो हम दोनों आज बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमने प्रॉमिस किया है कि आज हम नहीं लड़ेंगे, सिर्फ आज, और वो भी हम कोशिश करेंगे कि आज हम ना लड़े, ठीक है। सो दिस इज आवर एनिवर्सरी ओथ। सो एक्चुअली हर ट्रिप में ऐसा होता है, या तो आते हुए या जाते हुए ट्रिप पे ये हमारा हमेशा रहता है, जिसको कहते हैं ना मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है छोटी सी। नो, दैट इज नॉट मिसकम्युनिकेशन और दैट इज नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग, दैट इज एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन जिसकी वजह से ये होता है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हम जहाँ भी जब भी हम घूमने जाते हैं, एक हमारा रहता ही है कम से कम एक दिन, पहले एक दिन हुआ करता था, अभी तो शायद हर रोज होगा, लाइक ये झगड़े हमारा लाइक इट्स परमानेंट। ये उसी में मजा आता है एक्चुअली। मतलब वो ना हो तो दैट इज लिटिल, यू नो, मतलब झगड़े आप देखो टाइम हो गया 9:30 और काफी लेट हो गया, शायद इसी बात पे लड़ाई हो जाए, थोड़ी सी। हम घूमने आए हैं तो हमें अर्ली निकलना चाहिए, साइट सीइंग के प्लेसेस काफी अच्छे सारे देख सकते हैं, काफी सारी जगह है। काम भीड़ जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है लेट होने के बाद, तो हम चाहते हैं कि जल्दी पहुंचे, बट नहीं, लास्ट नाइट वी एक्चुअली स्लेप्ट वेरी लेट एंड ये साहब ये तो अर्ली मॉर्निंग को उठ के ये चले भी गए थे, कहीं घूम कर भी आ गए हैं। तीन किलोमीटर का वॉक लिया यहाँ पर देहरादून सिटी को देखा, अच्छा लगा। Hats off to him. नहीं अच्छा लगा, आपको भी चलना चाहिए। अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे, वहाँ पर आपको चलेंगे। तो चलिए अभी, खैर हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं और अगर अभी थोड़ा सा पॉसिबल हो पाया तो थोड़ा कुछ लोकल फूड्स एक्सप्लोर करने का टाइम, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। एक्चुअली ब्रेकफास्ट यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास ही बहुत फेमस एक जॉइंट है जिसका नाम है चेतन पुरी वाले या छोले ऐसे करके है। लेट्स सी, लेट्स सी, देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं, चलो चलते हैं। ओके, ये है देहरादून रेलवे स्टेशन रोड और उसी के साथ राइट साइड में ISBT है, इंटरस्टेट बस टर्मिनस, और हमारा होटल भी यहीं पर है। ISBT के बिल्कुल अपोजिट में कैब पिकअप पॉइंट है जहां से देहरादून साइट सी और मसूरी धनौल्टी वगैरह जाने के लिए प्राइवेट और शेयरिंग बेसिस पर कैब्स मिलते हैं। ये हम आ गए हैं हमारे होटल के पास मार्केट में और यहाँ पर एक चीज बहुत ही बढ़िया लगी, यहाँ पे जितने भी दुकानें हैं सब ऑरेंज कलर में हैं, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। एक दो गलियाँ हम ऑलरेडी क्रॉस करके आए हैं लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं, जितना मार्केट में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ऑल लाइक कलर्ड इन दिस ऑरेंज विच इज वेरी अट्रैक्टिंग। और हम लोग ये पीछे वाले हनुमान मंदिर में आए थे, आज सैटरडे है तो इसीलिए काफी पूजा वगैरह हो रहा है और ये काफी बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जाकर। और हम अभी के एग्जैक्टली इसके पीछे के साइड एक
बहुत ही फेमस छोले पूरी का दुकान है। काफी रश है और छुट्टी का दिन है। हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे आलू पूरी पसंद ना हो, और अगर देहरादून की चेतन पूरी वाले की पूरी थाली हो फिर तो क्या ही बात है। 50 सालों से ठीक इसी तरह पत्तल पे गर्मा गर्म पूरी सब्जी परोस के इन्होंने तो जैसे अपने आप में एक इतिहास ही रच लिया है। पूरी सब्जी की थाली खा रहे हैं एंड क्वांटिटी सो सफिशिएंट, इसमें पूरी और सब्जी, चार किले की सब्जी है, चार पूरी ले रहे हैं। विद रायता की वन, और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्राइड एंड फ्राइड मिर्ची है, ग्रीन चिलीज भी है। इस बेडमी पूरी बेसिकली इट्स नॉट दी प्लेन पूरी, और साथ में एक सूखी सब्जी भी है, और यहाँ पे तीन तरह की सब्जी। भाई साहब ये क्या क्या सब्जी है बताएंगे? ये कद्दू है, आलू टमाटर है, छोले आलू है, कद्दू आलू टमाटर छोले ड्राई आलू, ये वाला मिलेगा सब मिलेगा। और इसके साथ है ये देखिए रायता, यम्मी। अगर पलटन बाजार की बात करें तो ये भी अपने आप में एक इतिहास है। अंग्रेजों के शासन के समय पर यहाँ से ब्रिटिश सेनाएं अपने घोड़ों पर कूच करते हुए निकलते थे, तब से इसका नाम पलटन बाजार पड़ा है। ये बाजार सन 1935 से बस रहा है और आज की तारीख में देहरादून की ये बेस्ट शॉपिंग मार्केट है। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया चेतन स्वादिष्ट कचौड़ी उनके दुकान से, एंड फिलहाल हम पीपली बाज़ार होते हुए थामवाला बाज़ार है वहाँ से हम गुजर रहे हैं। सो वन थिंग वी कैन नोटिस, यहाँ पर जितने भी शॉप्स हैं पूरा मार्केट जो है इट्स कलर्ड इन सैफ्रॉन, जैसे कि हम बहुत सारे दूसरे टाउन्स में देखते हैं कि मार्केट जो है सारी दुकानें जो हैं एक सिंक्रनाइजेशन में, एक सिंक में रहते हैं हमेशा, वैसे ही यहाँ पर सारी दुकानें दे आर कलर्ड इन सैफ्रन कलर, विच इज़ रियली दे आर लुकिंग प्रिटी एंड दे आर इन अ सिंक, अच्छा लग रहा है। और हम अभी पूरा मार्केट से स्ट्रोल करते हुए यहाँ पर, ये कम्प्लीटली लोकल मार्केट है, यहाँ से स्ट्रोल करते हुए हम लोग आगे जा रहे हैं अभी घंटाघर की तरफ। अब हम देहरादून के फेमस पलटन बाजार से होते हुए घंटाघर की तरफ जा रहे हैं। ये सामने हम घंटाघर देख पा रहे हैं और अभी शायद 11 बजे और 11 बजे की जो घंटियाँ हैं वो हमको सुनाई दी। दिस वॉज रियली ऑसम। देहरादून का क्लॉक टावर या घंटाघर एक सिक्स फेज्ड घड़ी है जो बिल्कुल सिटी के सेंटर में है। ये स्तंभ आजादी से कई वर्ष पहले बनाई गई थी और कहते हैं कि इसमें स्वतंत्रता सेनानियों का नाम सोने के अक्षरों में लिखा गया है। घंटाघर से कई सारे रास्ते भी निकलते हैं, जैसे हरिद्वार रोड, राजपुर रोड, चक्राता रोड, पलटन बाजार रोड, लेकिन अब हमें जाना था FRI, इसीलिए हम एक लोकल विक्रम या शेयरिंग ऑटो उसमें बैठ गए जो हमें सीधा FRI तक पहुँचा। तो फिलहाल हम आ गए हैं अभी FRI में देहरादून के। चेकआउट तो हम लोगों ने कर ली है और लगेज रख के हम लोग अभी निकल गए हैं थोड़ा आसपास घूमने के लिए। काफी बादल छाया हुआ है, इनफैक्ट बूंदाबांदी हो रही है। वेदर फोरकास्ट में तो बताया हुआ है कि बारिश अभी होगी, खैर कोई बात नहीं है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है रुक रही है, बट ऐसे नहीं हम लोग को दो तीन जगह घूमना है, देख लेते हैं कि हो पाता है कि नहीं। फिलहाल हम लोग अभी FRI में आए हुए हैं
यहाँ सामने एफ आर आई है, हम यहाँ पर जाएंगे और इट्स बेसिकली एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और यहाँ पर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की सर्विस ट्रेनिंग होती है। तो ये हम अंदर जाके देखेंगे, आई थिंक इट्स अ म्यूजियम काइंड ऑफ थिंग, तो वहाँ जाके हम लोग को पता चलेगा। सो लेट्स गो, देखते हैं थोड़ा सा। फिलहाल हम लोग एंटर हो चुके हैं एंड दिस प्लेस इज रियली ब्यूटीफुल। मैं आप लोगों को बता देती हूँ थोड़ा सा है। सो यू कैन सी, शायद अभी थोड़ा सा बारिश का मतलब ऐसा है वेदर, उसकी वजह से शायद ज्यादा सुंदर दिख रहा है। ये मैंने गूगल में भी पढ़ा था कि सुन के टाइम में अगर आप देहरादून या मसूरी विजिट करते हो तो वहाँ का एक ये अलग सा एक खासियत है दैट इन मानसून यू कैन सी द ग्रीनरी, जो लश ग्रीन जो ट्रीज हैं और जो मतलब गार्डन्स या फॉरेस्ट हैं उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा निकल के आती है। सो दैट आई कैन ऑलरेडी सी, सो दिस प्लेस इज बेसिकली इम्पॉर्टेंट फॉर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी, उसकी वजह से हम लोग आए हैं। और हाँ, थोड़ा सा जैसे बताया कि यहाँ के एक दो चीज़ें हम लोग को देखना था देहरादून का। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस दैट अभी तक हमने विजिट किया हुआ है FRI। तो चलिए आगे चलते हैं और जाके देखते हैं कि इसमें क्या खास है। FRI देहरादून के चक्राता रोड पर स्थित है और ये सुबह के 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक खुली रहती है। इसका एंट्री फीस सिर्फ ₹10 है और ये FRI ऑलमोस्ट 2000 एकड़ की जमीन तक फैला हुआ है। यहाँ का मेन बिल्डिंग खूबसूरत आर्किटेक्चर को दर्शाता है और सिर्फ इतना ही नहीं, लोग यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन, FRI कैंपस, म्यूजियम्स इत्यादि देखने और पिकनिक मनाने भी यहाँ पर आते हैं। FRI या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना सन 1906 में हुआ था और सन 1988 से ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। यहाँ के डीम्ड यूनिवर्सिटी में फॉरेस्ट्री, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, पेपर टेक्नोलॉजी, वुड साइंस और भी विभिन्न विषयों में मास्टर्स, पोस्ट ग्रेड और PhD डिग्री के प्रोग्राम्स उपलब्ध हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स, फॉरेस्ट रेंजर्स जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज के अलग अलग पदों की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और ये है देहरादून के FRI का सिंह द्वार एंड वी कैन सी द सीन। हेलो, वाओ, OMG। दिस एंटायर एरिया जो हम अभी देख पा रहे हैं, दिस इज़ ये FRI इंस्टीट्यूट के अंडर ही आता है। दिस इज़ मोर लाइक अ बॉटनिकल रिसर्च सेंटर जहाँ पर बॉटनिकल स्टडीज़ और यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये खुद ही है। और यहाँ पर ये जो बॉटनिकल गार्डन्स हम देख पा रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता है। इसके अलावा भी यहाँ पर म्यूजियम्स हैं जो म्यूजियम्स के लिए हमें अलग से टिकटिंग करनी पड़ती है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पर हम अपना जो फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, वो भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम म्यूजियम देख सकते हैं एंड ऑब्वियसली वी कैन गो टू द बॉटनिकल पार्क ऑल्सो, बॉटनिकल सेंटर ऑल्सो। ये जगह इतना सुंदर है कि मैंने सुना यहाँ काफी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, तो हम क्यों पीछे रह जाएं? तब हमने सोचा अब हम भी थोड़ा फोटोज और वीडियो शूट कर ही लेते हैं। थोड़ी देर घूमते घूमते बारिश शुरू हो गई और तेज भी होने लगी। हमें लगा अब यहाँ से चलते हैं, मसूरी के लिए निकलना भी है। बारिश का मौसम और पहाड़ी वाला रास्ता, शाम से पहले पहुंचना बहुत जरूरी है। रोड,
ये जर्नी बस में जर्नी कर रहे हैं 80 रुपए का टिकट और अगर हम टैक्सी लेके जाते हैं तो उसमें शायद काफी महंगा पड़ता है 800 रुपए में 10 टाइम्स। अच्छा हाँ 2 जन का 2 जन का 1600 की जगह 160 20 टाइम्स दैट मनी आई स्पेंड फॉर फूड इन मसूरी जाने के लिए हमारा बस राजपुर रोड होते हुए गुजरने लगा। तब हमने देखा राजपुर रोड पर कई अच्छे शॉपिंग मॉल्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट्स और लग्जरी होटल्स भी हैं। खैर हमारा प्रेफरेंस अलग था क्योंकि हम रात को देहरादून पहुंच के ज्यादा ट्रैवल नहीं करना चाह रहे, इसीलिए हमने स्टेशन के आसपास ही होटल बुक किया था। इससे फायदा ये हुआ कि टाउन और मार्केट हम पैदल घूम पाए, लेकिन अगर आप कंफर्ट ज्यादा चाहते हैं तो राजपुर रोड इज अ वेरी गुड ऑप्शन। महादेव जी का आशीर्वाद लेकर हम चल पड़े मसूरी की ओर। देहरादून से मसूरी की दूरी है लगभग 36 किलोमीटर और ट्रैवल करने में समय लग जाता है करीब 2 घंटे। बारिश के मौसम में पहाड़ों में जाने के बारे में सोचते ही मुझे डर लगता है, खासकर अगर वो हिमाचल या उत्तराखंड हो। इस बार भी ज्यादा ऊंचाइयों पर जाने का मेरा मन बिल्कुल नहीं था, तभी तो हमने ये ट्रिप भी वाया देहरादून प्लान किया। अब देहरादून से मसूरी जाने के लिए कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस, प्राइवेट या फिर शेयरिंग कैब्स या 2-व्हीलर ऑन रेंट। ऑब्वियसली मुझे बस ज्यादा बेहतर लगा क्योंकि सेफ्टी के मामले में ये उत्तराखंड टूरिज्म के बसेस हैं, प्रोफेशनल और एक्सपर्ट ड्राइवर्स हैं और बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी इन पर होती है। एंड द बिगेस्ट फैक्ट इज कि बस के फेयर्स हमें 80 रुपए पर पर्सन पड़े, जबकि कैब के लिए पर हेड 800 रुपए मांग रहे थे। खैर आफ्टर ऑल हम अपना जर्नी बहुत एंजॉय कर रहे हैं।
आखिरकार करीब 2.25 घंटे की जर्नी के बाद हम मसूरी पहुंच गए। बस ने हमें लाइब्रेरी चौक पर उतारा। यहां उतरकर हमने होटल का लोकेशन डाल दिया गूगल मैप पर और बाकी सारी यात्रियों की तरह चलने लगे अपने अपने होटल्स की तरफ। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मसूरी। ओके सो यू कैन सी मेरे पीछे जो व्यू है, सो इट इज फैबुलस। चारों तरफ बादल है एंड मेरी आंखों में भी बादल जा रहे हैं। लाइक इट्स सो चिली एंड बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऑलमोस्ट इट्स 4:30 इन द इवनिंग एंड वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं है, वेदर बहुत बहुत ज़्यादा सूदिंग है। सो जस्ट अभी हम जा रहे हैं होटल की तरफ। ठीक है, जस्ट गॉट डाउन फ्रॉम द बस। वी टुक अ बस बेसिकली बिकॉज मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली इनके जो बसेज है ये वहाँ से निकल रहे थे एंड लुकिंग एट द वेदर एंड द रोड कंडीशन हमें लगा कि बसेज विल बी अ बेटर ऑप्शन। तो खैर चलिए थोड़ा आगे चल के होटल की तरफ चल के फिर बात करते हैं। यहाँ आपको एक बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। देहरादून से अगर आप मसूरी के लिए बस लेते हैं तो टिकट बुक करने से पहले ये जरूर पता कर लें कि बस लाइब्रेरी चौक तक जाती है या पिक्चर पैलेस तक, क्योंकि मसूरी में दरअसल 2 बस स्टैंड हैं, एक लाइब्रेरी चौक और एक पिक्चर पैलेस। आपका होटल कहाँ से नजदीक पड़ता है ये आपको पहले से पता होना चाहिए। चूंकि ये गलती हमसे हुई है इसलिए हम लाइब्रेरी चौक वाले बस में बैठ गए और लगेज समेत हमें दिन भर के थकान के बाद पहाड़ी वाले रास्तों में ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। मॉल रोड में रिक्शा तो आपको मिल जाएगा लेकिन वो भी सिर्फ थोड़ी ही दूरी तक जा सकते हैं और उसके लिए 100 रुपए चार्ज करते हैं। यहाँ भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि रिक्शा से उतर के वापस पैदल ही चलना पड़ा। अब पैदल चलते चलते हम गुजर रहे थे कैम्ब्रिज बुक स्टोर के पास से, जहाँ पर फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड आके बैठते हैं। ये हमारे बकेट लिस्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था और हमें उम्मीद थी कि हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी वो यहाँ आएंगे, लेकिन फिर दुकान के मालिक ने बताया कि आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए कुछ हफ्तों से वो अब नहीं आ रहे। थोड़ी सी मायूसी दिल में लेके हम होटल की तरफ फिर से चले। अरे हाँ आपका भी इधर ही है? हाँ इधर ही है। कौन सा होटल? लग्जरी इन। हाँ थोड़ा आगे ही है। अच्छा है यहाँ पर, थोड़ा सा वो शोर शराबा से यहाँ थोड़ा लेकिन यही तो मज़ा है। अच्छा हाँ, हम जो हाँ, खाएंगे हाँ, वो यहाँ आते आते पच जाएगा, फिर वापस जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए। जिस फैमिली के साथ हम बस में आए थे वो हमें फिर से मिल गए, अब तो मानो एक दोस्ती सी हो गई। और फिर जब मॉल रोड के दुकान कैफेज शॉप्स ये सब हमने देखा तब थकान से भी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था कि इन्हें जल्द से जल्द एक्सप्लोर करते हैं। रोड्स पे चलना इज रियली डिफिकल्ट और हम लोग को ऑलमोस्ट 20 मिनट्स वॉक करना पड़ा है, बट फाइनली इट्स वर्थ वॉकिंग। जस्ट सी, सो फाइनली वी हैव रीच्ड। चलो चेक इन का प्रोसेस कंप्लीट करके फिर आपसे बात करते हैं। फाइनली द होटल इज हियर आई थिंक सो, और इतना फॉगी है कि होटल का नाम भी नहीं दिख रहा है, सो वहाँ जाके ही पता चलेगा। Have a nice stay with us. Yeah. Sure. Thank you. Thanks, Mr. Pankaj. Thank you. Aapka shubh naam? Manisha. Thank you, Manisha.
क्या नाम है वंश? मनीष वंश, बहुत अच्छा नाम है, थैंक यू। ये बाबा वैली व्यू तो कुछ भी वैली नहीं, व्हाट अ व्यू ऑफ द वैली। इसमें क्या खास है, ये जैसे हमारे बहुत है रोनी नगर, अगर केदारनाथ है और जगह हम लोग देखते हैं। मॉल रोड के कुलरी बाजार में सिचुएटेड है टैवर्न कैफे एंड रेस्टोरेंट, और यहाँ का खाना वाकई में लाजवाब है। इनके ग्राउंड फ्लोर में बेकरी एंड कैफे है और रेस्टोरेंट कम बार सेक्शन ऊपर है। वीकेंड्स में लाइव म्यूजिक के साथ साथ आप अपना डिनर भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था हमारा डे टू, और शाम को चेक इन करने के बाद हम इतना थक गए थे कि सिर्फ डिनर के लिए बाहर जाने की ही हिम्मत बची थी। खैर, ये दिन हमने बहुत एंजॉय किया। अब आपकी बारी है, आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर हमारे साथ घूमने में आपको मजा आया और मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मिलेंगे मसूरी सीरीज के डे 3 वाले वीडियो में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय।